Hello students, in this video I am going to tell you about phonetics which is in your paper 2nd grammar and phonetics unit 3rd. So first of all, what is phonetics? Look at the PPT. Knowing a language includes knowing the sounds of that language. किसी भी लैंग्वेज की साउंड को पहचानना, किसी भी साउंड को, किसी भी लैंग्वेज उसमें जो वर्ड्स होते हैं उसको किस तरह से प्रोनाउंसिएशन उनका किया जाता है, ये हम फोनेटिक्स के थ्रू सीखते हैं. फोनेटिक्स इज़ द स्टडी ऑफ स्पीच साउंड. फोनेटिक्स क्या है? फोनेटिक्स इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ स्पीच साउंड, यानी हाउ टू प्रोड्यूस साउंड ऑफ दैट पर्टिकुलर लैंग्वेज, how to pronounce the words in the particular language. So phonetics is the study of speech sounds. बोलने की, बोलना यानी कि जब हम कोई भी लैंग्वेज में जो हमारे प्रोनंसिएशन होते हैं, जो हम साउंड हमारी प्रोड्यूस होती है, तो वो कैसे होती है, क्या क्या ऑर्गन्स है जो हेल्पफुल होते हैं, और किस तरह से किस वर्ड को देखकर हम क्या साउंड प्रोड्यूस करते हैं, ये सारी स्टडी फोनेटिक्स में आती है. फोनेटिक्स, फोनेटिक्स में एक वर्ड आ रहा है फोन, तो फोन में मीन्स साउंड और वॉइस. वी आर एबल टू सेगमेंट अ कॉन्टिन्यूस स्ट्रीम ऑफ स्पीच इनटू डिस्टिंक्ट पार्ट्स एंड रिकॉग्नाइज द पार्ट्स इन अदर वर्ड्स. और फोनेटिक्स के थ्रू हम क्या सीखते हैं? वी आर एबल टू सेगमेंट ए कॉन्टिन्यूस स्ट्रीम ऑफ स्पीच, कि साउंड जो है वो उसकी एक कॉन्टिन्यूस स्ट्रीम क्या होती है. कई सारी साउंड्स होती हैं जिसमें वाइब्रेशन होती है, कई सारी साउंड होती हैं जिसमें एयर बाहर छोड़ी जाती है, बहुत सारी साउंड्स होती हैं जिसमें हम एयर को अंदर क्लोज करते हैं. तो ये सब चीज़ें जो हैं, ये कॉन्टिन्यूस स्ट्रीम ऑफ स्पीच है, तो हम ये सब सीखने के एबल होते हैं अब आफ्टर रीडिंग फोनेटिक्स एंड रिकॉग्नाइज द पार्ट्स इन अदर वर्ड्स. और उन पार्ट्स को फोनेटिक्स लैंग्वेज में क्या दूसरी लैंग्वेज, क्या दूसरे वर्ड से हम जानते हैं, ये भी हम समझते हैं. Everyone who knows a language knows how to segment sentences into words and words into sounds. और जो कोई भी लैंग्वेज समझना चाहता है, जो लैंग्वेज को जानता है, वो जानता है कि हाउ टू सेगमेंट सेंटेंसेस इनटू वर्ड्स, कि सेंटेंसेस को हम वर्ड्स में किस तरह से उनको तोड़ सकते हैं, पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एंड वर्ड्स इनटू साउंड्स, और वर्ड्स को फिर हम किस तरह से साउंड में उसको पार्ट उसके करते हैं, यानी वर्ड्स को हम एक एक साउंड से रिप्रेजेंट करते हुए, एक एक साउंड उसकी रिप्रेजेंट करते हुए हम फोनेटिक्स में ये सब बताते हैं. ब्रांचेस ऑफ फोनेटिक्स. अब फोनेटिक्स एक स्टडी है, एक साइंस है, तो इसमें भी हमारी तीन ब्रांचेस हैं, और तीन ब्रांचेस इसमें बताई गई हैं, अकॉस्टिक फोनेटिक्स, ऑडिटरी फोनेटिक्स और आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स. The science of phonetics aims to describe all the sounds of all the words languages. ये जो साइंस जो होती है फोनेटिक्स, उसका क्या एम होता है कि वो वर्ल्ड की सभी लैंग्वेज की साउंड को डिस्क्राइब करे. यहाँ पर जो हम बात करेंगे वो हम करेंगे इंग्लिश लैंग्वेज की. आगे जो आप पढ़ेंगे वो इंग्लिश लैंग्वेज के सिंबल्स, इंग्लिश लैंग्वेज की प्रोनंसिएशन और इन सबको देखते हुए हम यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज को सीखेंगे. लेकिन वैसे जो फोनेटिक्स होती है, फोनेटिक्स में जिस भी लैंग्वेज को आप सीखते हैं उसकी जो स्टडी होती है उसे हम फोनेटिक्स कहते हैं. Acoustic phonetics focuses on physical properties of the sounds of languages. Acoustic phonetics में हम स्टडी करते हैं जो हमारी लैंग्वेज है उसकी जो साउंड है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की. फिजिकल प्रॉपर्टीज़ मतलब कि उसमें कितना वाइब्रेशन हो रहा है, वाइब्रेशन की रेंज क्या है, उसको जिस तरह से हम कई सारी चीज़ों को अलग अलग यूनिट्स में नापते हैं, जैसे कि डिस्टेंस को हम किलोमीटर में नापते हैं, कपड़े को हम सेंटीमीटर मीटर में नापते हैं, और किसी लिक्विड को हम लीटर में नापते हैं, उसी तरह से जो साउंड्स होती है उसके भी अलग अलग यूनिट होती है, इसे हम हर्ट्ज़ के नाम से जानते हैं, और इनके लिए अलग अलग इक्विपमेंट्स होते हैं. तो अकॉस्टिक फोनेटिक्स में हम उसकी फिज़िकल जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, यानी कि किस
साउंड में कितनी हार्ड्स होती हैं या उस साउंड में कितनी वाइब्रेशन होती है, तो ये सब जितनी भी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं ये हम एकॉस्टिक फोनेटिक्स में देखते हैं. ऑडिटरी फोनेटिक्स फोकसेस ऑन हाउ लिसनर्स परसीव द साउंड ऑफ लैंग्वेज. अब हम जो स्पीकर है उसके मुंह से साउंड निकलती है, लेकिन वो स्पीकर तक जाते जाते उसके लिसनर के कानों तक जाते जाते उसका थोड़ा सा रूप चेंज हो जाता है. यानी कि जिस फ्रीक्वेंसी से या जिस हार्ट से या जिस तेज़ी से हमने उसको बोला है, मे बी वो लिसनर के कान तक जाते जाते उसकी वो प्रॉपर्टी वो ना रहे. तो इसीलिए हम इस चीज़ का जो स्टडी होती है वो हम ऑडिटरी फोनेटिक्स में करते हैं कि स्पीकर के मुंह से जब कोई वॉइस साउंड निकलती है तो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी कितनी होती है, और जब वो लिसनर के कान तक जाती है तो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी कितनी होती है. आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स इसमें हम देखते हैं फोकसेस ऑन हाउ द वोकल ट्रैक्ट प्रोड्यूसेस दीज साउंड्स ऑफ लैंग्वेज. कि जो वोकल ट्रैक्ट होती हैं, वोकल ट्रैक्ट मीन्स हमारे ऑर्गन्स ऑफ स्पीच लाइक आर टंग, आर टीथ, आर सॉफ्ट पैलेट, आर हार्ड पैलेट, आर नोज, आर वोकल कोर्ट, आर लंग्स, आर लिरिंग्स. दीज आर सम साउंड ऑर्गन्स ऑफ स्पीच. तो इस आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स में हम ये फोकस करते हैं कि जितने भी वोकल ऑर्गन्स हैं तो हाउ दे वर्क, वे किस तरह से वर्क करते हैं टू प्रोड्यूस अ साउंड, और साउंड को प्रोड्यूस करने में किस तरह से वर्क करते हैं, किस तरह से हाउ दे फंक्शन, किस तरह से फंक्शन करते हैं. किसी साउंड में क्या होता है, जब हम साउंड को बोलते हैं तो किसी में हमारी टंग जो है वो ऊपर की ओर जाती है, किसी में हमारी टंग मुँह थोड़ा सा कर्ल बैक हो जाती है, किसी में हमारे लिप्स हमारा वर्क करते हैं, किसी में हमारे टीथ सेंटेंस को बोलने में फंक्शन करते हैं. तो इस तरह से अलग अलग ऑर्गन्स के अलग अलग फंक्शन होते हैं अलग अलग साउंड्स को प्रोड्यूस करने में. तो इन सब की स्टडी हम आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स में करते हैं, यानी हाउ टू आर्टिकुलेट डिफरेंट साउंड्स इन फोनेटिक्स. द फोनेटिक अल्फ़ाबेट स्पेलिंग और ऑर्थोग्राफी डज नॉट कंसिस्ट. अब यहाँ पर क्यों हमें ज़रूरत होती है, वाई डू वी नीड टू लर्न फोनेटिक्स, हमें फोनेटिक्स लर्न करने की, या हम क्यों फोनेटिक्स को सीखना चाहते हैं, या फोनेटिक्स हमारी किस तरह से हेल्पफुल होती है साउंड को करने में. क्योंकि क्या होता है, मेन अगर हम यहाँ इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश लैंग्वेज में क्या होता है कि एक जो वर्ड जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं इसमें, उसमें ये कोई कंफर्म नहीं होता कि जो अल्फ़ाबेट है वो सेम साउंड ही रिप्रेजेंट करेगा जो वो लिखा हुआ है. जैसे कि मान लीजिए डबल ओ लिखा हुआ है, तो डबल ओ क्या रिप्रेजेंट करता है, कहीं कहीं पर ऊ की साउंड वहाँ पर रिप्रेजेंट होती है, और कहीं पर यू है उसकी भी ऊ की साउंड रिप्रेजेंट होती है. तो इस तरह से जो है कई जगह पर हम ये देखते हैं इंग्लिश में कि जो हम अल्फ़ाबेट लिखते हैं वो सेम साउंड उसमें प्रोड्यूस नहीं करते हैं. तो उन्हीं साउंड को, उन्हीं प्रोनंसिएशन को समझने के लिए हम फोनेटिक्स को लर्न करते हैं, फोनेटिक्स समझते हैं. देखिए इसका वन पॉइंट, स्पेलिंग और ऑर्थोग्राफी डज नॉट कंसिस्टेंटली रिप्रेजेंट द साउंड्स ऑफ लैंग्वेज. सम प्रॉब्लम्स विद ऑर्डिनरी स्पेलिंग, जो लिखा जाता है वैसा ही साउंड प्रोड्यूस हो, रिप्रेजेंट वही रिप्रेजेंट हो, ऐसा नहीं होता है. नंबर वन, द सेम साउंड मे बी रिप्रेजेंटेड बाय मैनी लेटर्स और कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स. देखिए कई बार क्या होता है, सेम साउंड कई लेटर्स जो हैं या कॉम्बिनेशन लेटर्स का जो है वो सेम साउंड प्रोड्यूस करता है. एग्जांपल ही, इसमें ही, इसमें ई की साउंड आ रही है ई में से. पीपल, अब ई में से यहाँ पर अलग साउंड आ रही है. की, के ई वाई, की. बिलीव, अब यहाँ पर आई ई है तब भी उसमें से ई की साउंड आ रही है. सीज, ई आई है, एक कॉम्बिनेशन है लेटर का, उसमें से भी ई की साउंड आ रही है. मशीन, ई, लास्ट में ई की साउंड आ रही है. सीजर, ए ही है कॉम्बिनेशन, फिर भी ई की साउंड आ रही है. सीज, ई ए है, फिर भी ई के वह साउंड आ रही है.
सी एस डबल ई है तब भी ई की साउंड आ रही है, अमीबा ओ ई एक कॉम्बिनेशन है लेटर्स का तब भी ये ई की साउंड रिप्रोड्यूस इसमें हो रही है। तो इस तरह से जो कॉम्बिनेशन है लेटर्स के या कई सारे लेटर्स हैं जो कि सेम साउंड प्रोड्यूस नहीं करते हैं, एक ही लेटर में से अलग अलग साउंड प्रोड्यूस होती है। सेकंड, द सेम लेटर में रिप्रेजेंट ए वेराइटी ऑफ साउंड्स, कई बार सेम लेटर से अलग अलग वेराइटी साउंड की प्रोड्यूस होती है। एज फादर, ए जो इसमें ए है उसमें से फादर आ की साउंड निकल रही है। विलेज, अब ए इसमें भी है लेकिन ये ए की साउंड रिप्रेजेंट कर रहा है। बैडली, यहाँ पर बैडली ए ए की साउंड रिप्रेजेंट हो रही है। मेड, यहाँ पर ए की साउंड ए में से रिप्रेजेंट हो रही है। मैनी, यहाँ पर ए की साउंड ए में से रिप्रेजेंट हो रही है। तो इस तरह से सेम लेटर जो है वो अलग अलग साउंड यहाँ पर उसमें से रिप्रेजेंट हो रही है। वी विल कंटिन्यू दिस वीडियो आफ्टर फर्दर आई विल कंटिन्यू दिस वीडियो। सो थैंक यू सो मच।